वो करते हैं और तस्वीरों में तमाम ट्रांसपोर्टर्स का रोष दिख रहा है। तमाम यहाँ पर वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के जीवन रेखा माने जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स से चलती है। सड़कों पर जब गाड़ियों के पहिए नहीं चलते हैं तो जनजीवन जो है रुक सा जाता है, लेकिन तमाम ट्रांसपोर्टर्स आज गुस्से में है। सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया गया है और मोर्चा खोलते हुए यहाँ पर ये कहा गया कि आखिरकार एक तरफ से सरकार ये कह रही थी कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, एक सहारा बनेगी और मदद का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ना तो कोई आर्थिक मदद है। और लगातार जो है जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी तो ट्रांसपोर्टर से कहा गया था कि आपने जो है अब गाड़ियां अपने घर में रखनी है, अब सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ेंगे, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के बाद तमाम गाड़ियां जम्मू की सड़कों पर दिखी और उसके बाद पहिए चलना शुरू हुए। जिंदगी की रफ्तार जो धीमी पड़ चुकी थी, जिस रफ्तार पर पूर्ण विराम लग चुका था, वो रफ्तार जो थी वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन आज ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें यही दिखा रही हैं कि मिनी बस यूनियन के बैनर तले जम्मू प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा रोष प्रकट किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक भी मिनी बस आज जम्मू में नहीं चल रही है, एक भी बस नहीं चल रही है, एक भी टैक्सी नहीं चल रही, और इसी तरह से तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं अपना गुस्सा जो है प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि यात्री किराए में 30% वृद्धि प्रशासन की तरफ से कहा गया था की गई है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी वापस ले लिया गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि टोकन टैक्स जो लगातार जो है एक विषय का कारण भी बन रही है और चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, उसको कम किया जाए, लेकिन एक भी मांग पर प्रशासन की तरफ से हामी नहीं भरी गई। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात की जाए तो उनसे भी मिलने की कोशिश पूरी तरह से लगातार जारी है, लेकिन मौका जो है नहीं मिल पाया है। और मौका जो है ये चाहते हैं कि इन तमाम ट्रांसपोर्टर्स को मिले, जिसके बाद इनका जो जनजीवन है फिलहाल पटरी पर आ सके, क्योंकि अगर सड़कों की बात की जाए सड़कों पर तो जीवन पटरी पर आया है, लेकिन इनका खुद का आर्थिक स्तर जो है उस प्रकार नहीं है कि परिवार का संचालन कर सके। और प्रदेश प्रशासन की बात की जाए तो आज पूरे प्रदेश व्यापी इसी तरह से हड़ताल देखी जा रही है और इसी तरह से प्रशासन को सचेत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जब आपकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आपको हमारा सहारा बनना था, तब आप जो थे कहाँ थे। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, कारण यही है कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे कितनी मुश्किलों का सामना किया कोरोना काल से लेकर अब तक, आर्थिक स्तर में क्या वृद्धि हुई है या स्थिति जो है जस से तस बनी, कितनी मुश्किलों का सामना किया था कोरोना। जैसे कि आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हो कि कोरोना काल में जब सभी जनता, चाहे वो ऊपर अमीर तबका हो या चाहे गरीब तबका हो, वो सभी अपने अपने घरों में छुप कर बैठ गए थे, क्योंकि कोरोना इतना दहशतगर्द था, इतनी दहशत फैलाई थी। और हमारे डॉक्टर्स, हमारा प्रशासन, हमारा पूरा भारतवर्ष के जो हमारे मंत्री और प्रशासन सबके हाथ खड़े थे, उस वक़्त हमारे ट्रांसपोर्टर ही थे जो आम जनता की आवाज़ सुनकर उनकी मुश्किलियात को देखते हुए अपनी गाड़ियां रोड पर लाई थी, क्योंकि अगर ये लोग अपनी गाड़ियां रोड पर नहीं लाते तो ये जो बाज़ार आज खुले आपको दिख रहे हैं ये नहीं खुल सकते थे। सरकार ने हमसे उस वक्त मांग वादा किया था कि आपका जो 30% जो बढ़ोतरी है, हम उसके साथ साथ जो आपका जो कास्ट ऑपरेशन के हिसाब से किराया बढ़ा जाएगा, लेकिन जब ये कारोबार चलने लगे तब सरकार ने हमसे धोखेबाजी की। उन्होंने जो हमारा 30% किराया बढ़ाया था, क्योंकि 50% इन्होंने सवारी हमसे ले ली थी और 30% किराया उस वक्त हमसे धोखा किया था, लेकिन फिर भी हमने किया कि जहाँ जहाँ सबका एक कॉपरेशन है इस सरकार के प्रति, देश के प्रति, हम भी अपना फर्ज निभाएं। लेकिन इन्होंने वो जो आज सारा संसार जब मेन पटरी पर आ चुका है, तब इन्होंने जो 30% कराया था वो भी आधी रात को इन्होंने वापस ले। उस समय ये कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपका यात्री किराया बढ़ा है, जब सोशल डिस्टेंसिंग ही खत्म हो गई तो यात्री किराया कैसे बढ़ा रहने दे? मैडम, जैसे इन्होंने हमसे बोला था कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम 50% जो सवारी हैं उसको हम कम करते हैं, हमने इनकी मांगे मानी, बल्कि उस वक्त सिर्फ गरीब ट्रांसपोर्टर की गाड़ियों में 30-50% सवारी कम थी, बल्कि जो हमारे इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट थे, हवाई जहाज़ थे,
टेने से उनमें गचा गच जो उनकी जो बराबर सीटें थी उस सीट के हिसाब से वहां पर वो उन्होंने कोई 50% कम नहीं किया था। सिर्फ गरीब जनता गरीब ट्रांसपोर्टर ने ही इनका साथ दिया था और इनकी बात मानी थी। आप मेरे को बताइए कि अगर आज जो है अगर सरकार बात नहीं मानती है प्रशासन नहीं मानता है तो क्या ये बढ़ने वाला है चक्का जाम? देखिए हर चीज़ का एक तरीकाकार सिस्टम होता है। सबसे पहले इनसे हमने बातचीत की, इनके पास अपने अप्रोच की जो जो हम अप्रोच कर सकते थे। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको इस वन डे स्ट्राइक के लिए बताया, इन्फॉर्म किया। उसके बाद भी इनका इनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, बल्कि हम RTO साहब, हमारे डीव काम कमिश्नर, जो जो कंसर्निंग ऑफिसर बनते थे, हम उन्हीं सबसे जाके मिले, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और हमने यही डिमांड की थी कि गवर्नर साहब आप हमारे साथ बैठिए, हमारे जो मसले हैं उस पर बात करें, लेकिन उनके पास हम लोगों के लिए गरीब जनता के लिए कोई समय नहीं है। राजनीतिक डेलीगेशन उनसे लगातार मिल रहे हैं, जब भी वो जम्मू में होते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या तमाम विपक्षी दलों की बात की जाए, लेकिन जो आम आदमी है जिससे जम्मू की जीवन रेखा कहते हैं कि हम आप लोग लाइफ लाइन है, क्योंकि आप ही एक व्यक्ति को दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, क्या ऐसा कारण रहा होगा कि आपसे मिल नहीं पा रहे? देखिए मैम, ये जो सियासी लोग हैं इनकी सियासत जो है ये आम जनता गरीब जनता के सिर पर इनका कत्ल करके इनकी लाशों पर खेली जाती है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको पता है ये ट्रांसपोर्टर है, गरीब जनता है। जब वोट का टाइम आएगा इनसे हम अपनी जो लोभ लालच देकर अपनी बातें करके इनको दो दिन इनके पास हाथ जोड़ के खड़े होंगे, ये हमें वोट डाल देंगी, ये हमसे क्यों मीटिंग करेंगे? ये सियासत में ये सियासी लोगों से ज़्यादा बैठेंगे या कश्मीर में बैठेंगे, वहाँ पर नए नए अपने जो ग्रुप हैं नई नई पार्टी को स्टैब्लिश करेंगे अपनी। वहाँ पर देखिए इनका एक भी दिन कोई नहीं निकला जिस दिन इनकी इलेक्शन नहीं होती है। हर रोज इलेक्शन है, हर रोज इलेक्शन, इतना पैसा ये इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा गरीब जनता को दीजिए, ट्रांसपोर्टर को दीजिए, इनकी जो मुश्किलात उनको सुनिए, लेकिन इनके पास कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है। कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आखिरी सवाल है, क्योंकि काफ़ी तादाद में अगर हम कहें जम्मू पर कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है, पूरी तरह से शांति की यहाँ पर बात की जा रही है, हर तरफ सन्नाटा है, एक भी गाड़ी नहीं है। अगर आज बात नहीं मानते, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, जम्मू की जनता का सवाल है, एक दिन जो है आपने गाड़ियां रोकी हैं, क्या कल भी रोकने वाले हैं, उसके बाद भी रोकने वाले हैं? देखिए हमने ये अपने मन में एक बात सोची कि हम अगर लंबी स्ट्राइक पर जाते हैं तो गरीब जनता का क्या होगा। इस गरीब जनता की बेहतरी के लिए, इन लोगों के लिए हमने वन डे स्ट्राइक के लिए कॉल की थी। अगर इसके बाद इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो हमारा वैसे भी कुछ हमें कुछ नहीं बच रहा है, हम लोग मर रहे हैं, तो मरने से ज़्यादा बेहतर है कि हम भूखे रहें, स्ट्राइक पर जाएं, और लंबी स्ट्राइक जाएगी। साफ तौर पर ये कहा गया है और ये चेतावनी भी दे दी गई है कि आर्थिक तौर पर इनका जो स्तर है फिलहाल सही नहीं है, वो स्तर जो है वो बढ़ नहीं रहा है, आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर खुद को महसूस कर रहे हैं, और ये तमाम ट्रांसपोर्टर्स आपको जम्मू की सड़कों पर तमाम मेटाडोर्स चलाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आज एक भी मेटाडोर जम्मू में नहीं चल रही है। कारण यही है कि यहाँ पर प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और इसी प्रकार से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिस तरह से तमाम राजनीतिक डेलीगेशन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से आम आदमी से भी मुलाकात का समय इनको दिया जाए। इसी के साथ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।